आजाद कर दूंगा, फिर मेरी कोई पाबंदी नहीं है, फिर मेरी कोई पाबंदी नहीं है। अब नहीं सब्र होता, बस बहुत हो गई, अब नहीं सब्र होता। को किरदार वाला दुश्मन हो तो समझ आती है बात, दो दो टके के उठाई गिरों से आकर हम पर गोलियां चलवा रहे हैं। अरे अगर गोली पड़वानी है तो अल्ताफ हुसैन को बड़ा करो, मारे गोली, किसी को बाहर से लाकर मुझे गोली मत पड़वाओ, मुझे शहर वाले से गोली पड़वाओ, अगर गोली भी पड़वानी है तो। और उसके बाद एक पूरी कार्रवाई के दौरान एक किसी को गिरफ्तार नहीं किया, घंटों तक चलती रही बात। उसके बाद रात में जब उनको जब बहुत प्रेशर पड़ गया, लोग पूरा मीडिया पूरा पूरी दुनिया शोर मचाने लगी, तो जाकर दहशतगर्दों के अगर पास गए तो जिनके लोग मरे हैं हमारे हमारे साथियों के घरों पर भी आ गए पुलिस वाले, खवातीन से बदतमीजियां कर रहे हैं, हमारे भी साथियों को गिरफ्तार करके ले गए। क्यों भाई, किस जुर्म में? एक तस्वीर दिखाओ कि मेरे किसी साथी के पास हथियार हो, एक तस्वीर दिखाओ, एक वीडियो दिखाओ कि मेरे किसी साथी के पास, किसी कारकुन जिम्मेदार के पास हथियार हो, जो मुस्तफा कमाल को, अनीस कायम खानी को सरकार ने दो दो पुलिस वाले दिए हुए, वो अपनी जान बचाने के लिए फवारी फायरिंग करते करते भाग रहे थे। इसके अलावा कोई पुलिस वालों के अलावा कोई एक आदमी है ही नहीं, हमने दिया नहीं हथियार, हथियार होता तो वापस जाते, हमारे साथियों के पास हथियार होता तो वापस जाते, मारने वाले वापस जाते। एक हथियार दिखाओ, हमारे दिखाओ कोई फुटेज, सबकी फुटेज बनी हुई है। उसके बावजूद खाना पूरी कर रही है पुलिस, घरों में कूद रही है, अभी भी कोरंगी से साथियों को, मलिर से साथी को उठवाया, सात साथियों को अरेस्ट कर रखा है। फरहान अंसारी जो मेरा नेशनल काउंसिल मेंबर है, दिन भर उसको मारा है, 25-25, 30-30 लोगों ने मिलकर, डटा रहा जवान की तरह अपनी जगह पे, हिला नहीं वहां से, उसके घर पर रेड कर रहे हो। मेरे और साथी पिटते रहे, दिन भर सबर किया है, गोलियां खाते रहे, 100-100 लोग जमा होकर मेरे एक एक नियत के साथी को पुलिंग स्टेशनों पे तशद्दुद का निशाना बनाते रहे, सबर किया। उन्हीं को रात में गिरफ्तार कर रहे हो, उन्हीं के घर पर रेड कर रहे हो। मैं वार्न कर रहा हूं सिंध पुलिस को कि इंसान के बच्चे बनो, हमारे सबर का इम्तिहान मत लो। कोरंगी और मरीज से साथी गिरफ्तार किए, किस जुर्म में, कौन मरा है, किसको गोली लगी है, हम मरे हैं, हमें गोली लगी है, हमारा इलेक्शन छीना है, हमने प्रेजाइडिंग ऑफिसरों को, जाली वोट डालने वालों को डब्बे चोरी करते हुए पकड़ा है।